चलो चलो चलो। Hey guys, good morning, welcome to my new blog. तो guys, आज का blog बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जो भी चैनल पर नए हो आप पहले फटाफट से यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग ब्लॉग्स देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार पहले सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। तो guys, अभी हम आ गए हैं घर के पीछे और आज हम लोग धोने वाले ये वाला स्कूटी। तो अरमान वहाँ पे शैम्पू बना रहा है इसको धोने के लिए। तो चलिए आज स्कूटी धोते, क्योंकि स्कूटी बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया है। और हम लोग है पेड़ के नीचे, सामने ऊपर पेड़ है जिसमें फूल लगा हुआ है आम का, और ये आम का पेड़ है सामने वाला। तो चलिए इसको धोते हैं। तो ये रहा स्कूटी जो बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया है आगे पीछे चारों साइड से, ये बहुत दिन से नहीं धुलाया, तो आज हम लोग खुद से धोने वाले हैं। परमान पाइप लेकर के आओ, हम भी गंदे हैं। हाँ, तो ये भी अभी नहाएगा और साथ में हम लोग भी नहाएंगे, सबको ही जाना होगा पाइप लेकर के आने। ए, लेकर के आओ ना पाइप। अबे क्यों चढ़ रहा ऊपर, किधर सब इतना छोटे छोटा, वहाँ तक जा ही नहीं पाएगा। पाइप लेकर के आ जाओ, चलो हम लेकर के आते फिर तुम ही कर देना। तो गाइस अभी चलते हैं पाइप लेने के लिए। और मेरे सर में ऊपर से आम का फूल गिर गया था, यहाँ पे लटक गया था, अभी निकाल लिया उसको। तो चलिए लेकर के आते हैं पाइप जल्दी से। तो काम हो रहा वो वाला पाइप लगा हुआ है, तो इस पे पानी आएगा। तो चलिए लेके चलते हैं इसको। तो अरमान और सलमान टान करके लेके जा रहा है उस पार और गाड़ी धोते हैं। तो ये रही मटकी जो नहाने जा रही है। तो पाइप पहुँच गया, जाओ मोटर ऑन करके आना, हम लोग यहीं पर रहते, जाओ जल्दी। पूछना दादा से कि कैसे ऑन होता है। वो गया है मोटर ऑन करने के लिए और ये रेडी बैठा हुआ है। तो अब हम लोग रेडी रहते हैं स्कूटी धोने के लिए। तो पाइप भी आ गया अपना और अरमान ने शैम्पू को भी यहाँ पे घोल लिया है, मस्त से झाग बना दिया है। अब चलिए अब आने देते हैं पानी, फिर धोएंगे इसको। बहुत गंदा हो गया आगे पीछे चारों साइड से। ऑन नहीं किया अभी तक, पानी नहीं आया। तो फिर कैसे होगा अब, जाओ 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 बोलो। तो जाओ तुम लोग दोनों साथ में जाओ ना, जान रहे साथ में, जल्दी जा बोल करके आना। तो अभी वो लोग जा रहा पापा को बोलने के लिए ये पाइप ऑन करने के लिए। तो पापा क्या बोले, लाइन है ये नहीं, भर रहा चल रहा है, लाइट नहीं है, पाइप का गया, पाइप से नहीं होगा। तो लाइट नहीं है चौबे, तो वेट करना पड़ेगा कब आएगा लाइट। लाइट आ गया और दादा जोड़ रहे, वहाँ पे जोड़ने का है पूरा विभाग, डंडा रेडी रखा, उड़ने वाला है। अरे बिना मेकअप के चलो स्टार्ट करो। मजा कर रहा था यहाँ पहले से ही, गिर रहा होगा। अभी गाड़ी धोने लगे हम लोग। अरे यार मेरा हाथ मुड़ जाएगा, चलो घसो घसो। गाड़ी यहाँ पे साफ हो गया और यहाँ पे पूरा भिगा दिया, ये लोग देख सकते हैं यहाँ पे। उसको पानी मारना, पानी मारना उसको। स्कूटी यहाँ पे साफ हो ही गया लगभग। कहाँ पर आया कड़ा कड़ा लग रहा है। आज ब्लू है, पानी 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 पानी, दिले आसानी से तो मेरी की कितने ही जान में ना बहुत बहुत। हमको कौन नहलाएगा, पानी 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 का मार रहे गा रहे। चलो 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 छोड़ दो, जल्दी नहाओ। सो गाइस स्कूटी साफ हो गया और अभी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा, और स्कूटी अभी ऐसा कुछ साफ है तो इसको अभी पोछ लेंगे। और साथ में जब इसको नहला रहा था तो अरमान मेरा फ़ोन का कवर भिंगा दिया, उसके पैसे जितना भी पैसा पीछे था सब भीग गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये रहा वो स्कूटी जो बहुत ज़्यादा साफ है। चलिए अभी हम भी चलते हैं नहाने के लिए। तो गाइस अब मिलते हैं नहाने वहाने के बाद। सो गाइस स्कूटी धोने के बाद हम लोग नहा लिए थे और उसके बाद हम फिर सो गए कुछ देर, फिर अभी जस्ट उठे और अभी हमको चलना है थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि काम है। और मम्मी आपको पता है जैसा हर मंथ के लास्ट में कुछ मम्मी काम दे देती है, तो वापस शायद सारवाजी के साथ चलना है राशन लाने के लिए, घर के लिए कुछ कुछ सामान। तो चलते फिर लेने के लिए, अब वहाँ का ब्लॉग दिखाता है आप सभी लोगों को। और यहाँ पे सलमान खड़ा, वो पढ़ रहा है क्योंकि इसका पेपर है। तो ये भी बैठा हुआ है यहाँ पे, सलमान को देख सकते हैं क्या बाल खड़ा किया, एक खड़ा करता हूँ। नहीं भैया फिर छोड़ दे। नहीं मम्मी, अभी मम्मी बोली कि थोड़ा सा कुछ राशन लाने, घर का छोटा मोटा सामान है ना। मम्मी क्या क्या लाना है, वही राशन का, घर का, घर का राशन, ठीक है फिर। तो ये रही सायरा अप्पी, ये भी चल रही साथ में राशन लाने के लिए, तो यही जाती है साथ में। तो मम्मी घर का छोटा मोटा राशन लाने के लिए भेज रही है, तो चलते फिर। ये रही मम्मी, चलिए अब सीधा चलते हैं लाने के लिए। इस देखो सलमान का बाल क्या खड़ा किया, पूरा खड़ा करना,
क्यों लगाया रे इतना सारा तेल? अरे खेपा है रे। क्यों किया ऐसे? खेपा है, बहुत तेल हो गया। तेल हो गया तो तुम ऐसे करेगा? अरे इठो वाला, ये वाला हाथ में क्या पहना है इसको? हाथ मचक गया। हाँ तो मचक गया बेटा, तुम स्टाइल मारता। स्टाइल मारता है, इधर देखो इधर देखो। स्टाइल मारने का तो क्या करेगा, देखो ऐसे करेगा। अब वापस इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गया। कौन वाला हाथ टूटा था रे तेरा? मेरा हाथ देख लिया है गाइस, इसका बाल देखो यार, क्या खड़ा किया। वाह, भयंकर दिख रहा है। सिग्मा फेस, ओ भाई। सो गाइस चलो अभी चलते हैं जल्दी से राशन लाने के लिए, क्योंकि शाम हो जाएगा और अभी टाइम हो गया, 5 बज गया गाइस शाम का। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि आज स्कूटी भी धोए तो स्कूटी मस्त एकदम फ्रेश है। और ये पीछे जा रहा है, चलो जल्दी जाएगी। ये मुंह में क्या लगाई रे लाल लाल? हाँ क्या है वो? बंदर काटा था। और यहाँ पे जमील आ चुका है। यो यो, अब है जो है वो समा है। फाइनली मार्केट पहुँच गए हैं, सारा बाजी वहाँ से सामान ले रही है। फाइनली सामान ले लिए हैं और सारा बाजी भी आ रही है। हो गया ना रे? चलो अंगूर लेने जाएगी। कितना ज्यादा बिल बना? कितना बना? चलो चलो अंगूर लेने। सो गाइस सारा अपनी अंगूर ले रही है स्टेशन के पास से, ये रहा स्टेशन, यहाँ से सारा अपनी अंगूर ले रही है। अंगूर खरीद के सीधा चलते अब घर। अब है जो तो गाइस फाइनली अब आ गए घर और यहाँ पे स्कूटी लगा दी है, क्योंकि बाहर में इसलिए लगाए क्योंकि अंदर में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, क्योंकि ये वाला घर बन रहा है तो इसका ऊपर छज्जा में बहुत कुछ रखा हुआ था, वो उठा के यहाँ रख दिया गया है। तो यहाँ पे सब कुछ रख दिए। तो अभी सारा राशन ला करके मम्मी को दे दी और यहाँ पे स्कूटी लगा दी और जो अंगूर लाए वहाँ पे लटका हुआ है, अभी उसको खाएंगे। मम्मी क्या बनाएगी रात में? आलू का सब्जी। ये रही सायरप पी और ये रहा मेरा अंगूर। और ये भी आ गया क्लास से, तभी जा रहे थे तभी ये ट्यूशन जा रहा था, अभी ट्यूशन से वापस आ गया। तो ये जो है ये सायरा बाजी का खजूर है जो सायरा बाजी खरीदी, और ये अंगूर खरीद करके लाए हम, तो इसको खाते हैं। हम लोग घर में राजा आ गया है, देखिए राजा ये कैसे एकदम सॉफ्ट करके एकदम सूत के राजा की तरह। किसी को भी नहीं दे रहा, देख हम बोल हम बोल रहे किसी को भी नहीं दे रहा, सिर्फ बोलता है कि हम अपने खाएंगे। और इधर भी रानी अबे कसम ले लिए अबे। हाँ देखो गाइस कैसे। अरे टिप ले लिया, सबको बांट लो ठीक है? नहीं हमको दो, हमको दो, मैं कभी दे दी। ब्लॉग बंद कर। सो गाइस अभी चलते खाना खाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है 8:30 और अभी खाना खाने का टाइम हो गया। तो मम्मी क्या बनाई खाने में? सोयाबीन भरी तरकारी। सोयाबीन भरी का तरकारी। तो मम्मी बनाई है सोयाबीन भरी का आलू डाल करके सब्जी बनाई है। और ये रही सायरा जो कि अरमान को पढ़ा रही है, उसका 10th का पेपर है। और ये मोटका सो रहा है और ये अपना गुड्डा के साथ सो रही है, ये यहाँ पे गाना सुन रहा है। खाने में है 4 रोटी और सोयाबीन और आलू डाल करके सब्जी। सो गाइस अभी हो गया खाना फिनिश। सो गाइस आप लोगों ने ब्लॉग को यहाँ तक देखा है तो आप सभी लोगों को ये ब्लॉग पक्का पसंद आएगा, तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। मम्मी इतना खतरनाक बाल खड़ा किया, कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा। अभी कैमरा के सामने अच्छा बोल रहा, जब बाद में मिलेगा तुम्हारा मार मार के चुतड़ा लाल करेगा।